हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप से किस तरीके से करेक्ट वे क्या है वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप क्रिएट किस तरीके से करते हैं यूट्यूब चैनल। और अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया होगा, आप वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपलोड करते हैं वीडियो। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपना क्रोम ऑन करना है। अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप से ऐड करके ये चीज़ कर सकते हैं आराम से। अगर और जैसे सबसे पहले आपने क्रोम में देखना है youtube.com और सर्च करते हैं आप। ये सर्च करने के बाद आपने सबसे पहले ये यहाँ पे जो एक वीडियो का लोगो आ रहा है इसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है वीडियो अपलोड का, अपलोड वीडियो का, और नीचे आ रहा है गो लाइव। गो लाइव आप जब जाते हैं, जब आपके 1K सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाते हैं तब आपको ये गो लाइव का ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज आपको वाला ऑप्शन नहीं मिलता। तो अभी हम सिर्फ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जो वीडियो अपलोड है इसके बाद में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है ये है कि यहाँ पे आपको बोल रहा है सिलेक्ट फाइल करें। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट फाइल करनी है, तो मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपने ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपने ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से ये यहाँ से अब अपलोड होना शुरू हो जाएगी। मैंने अभी जान करके छोटी वीडियो ली है ताकि आपको समझा सकूँ सही तरीके से, और छोटी वीडियो जल्दी अपलोड भी हो जाएगी इस वजह से। अगर आप बड़ी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास नेट अच्छा होना चाहिए ताकि वो जल्दी से अपलोड हो सके। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आके आपके सामने कुछ चार ऑप्शन आ जाएंगे, एक है डिटेल, एक है वीडियो एलिमेंट्स, एक है चेक और एक है विजिबिलिटी। अब सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिटेल का। अब यहाँ पे इसका जो नीचे आ रहा है टाइटल, टाइटल रिक्वायर्ड, अब आपने यहाँ पे इसका टाइटल देना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने जो टाइटल में वर्ड इस्तेमाल करने हैं वो 100 से ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, 100 से कम ही रहे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये रोड ट्रिप के बारे में वीडियो है तो मैं रोड ट्रिप ही लिख रहा हूँ, ताकि छोटी वीडियो ताकि ऐसे समझाने के लिए आपको। और नीचे आपने इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन देना है जहाँ पे आप इस वीडियो के बारे में बता सकें, आप यहाँ पे अपनी वीडियो की लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आपकी कोई वेबसाइट है आप वेबसाइट का लिंक डाल दें, या अगर आपकी कोई सोशल लिंक्स हैं जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके लिंक्स हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इजीली। थोड़े से पहले डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। अब मैंने यहाँ पे ये सिर्फ समझाने के लिए आपको छोटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है और आप इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं इधर। और अगर आपने इसके अंदर सोशल लिंक डालने हैं या ये यहाँ पे आपने वीडियो के लिंक डालने हैं तो बस आपने यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और इसी जगह पे आपने अपने हैशटैग देने हैं। फिर मैं भी आपको इसे समझाने के लिए छोटे से दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप 5000 वर्ड डाल सकते हैं। अब अगर हम इसे थोड़ा नीचे आएँ तो नीचे आने के बाद यहाँ पे हमारे को बोल रहा है थंबनेल के लिए। अगर आपके पास यहाँ का थंबनेल है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं यहाँ थंबनेल। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ से ये रैंडम आपको दे रहा है कि आप जो है सिलेक्ट कर लें। अगर आप इसके ऊपर थंबनेल के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द इसके ऊपर बना दूंगा और मेरी बहुत जल्द वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी, थंबनेल किस तरह बनाते हैं मोबाइल से। अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि प्लेलिस्ट का। अगर आपकी जो प्लेलिस्ट है तो आप यहाँ से इसको प्लेलिस्ट में सेव करा सकते हैं। लेकिन अगर प्लेलिस्ट नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट प्लेलिस्ट पे जाएं और यहाँ पे उसका नाम दे दें। लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्लेलिस्ट नहीं बनानी। अब हम थोड़ा और नीचे आएँ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत से लोग करते ही हैं कि यस इट फॉर मैट फॉर किड्स कर देते हैं, जबकि ये नहीं करना आपने। ये जो नीचे नीचे लिखा हुआ है नो इट्स नॉट फॉर मैट फॉर किड, आपने इसको सिलेक्ट कर लें। और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा शो मोर का ऑप्शन, आपने शो मोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे आपको
इस जगह पे आपने अपने इस वीडियो के मुतालिक टैग देने हैं। अब टैग क्या होते हैं, टैग ये होते हैं कि अब मेरा ये अलग चैनल है, इस चैनल का नाम है सुफियान गेम, इंटर कर दिया, ये एक टैग बन गया हमारा। इसी तरीके से आपने अपने चैनल का टैग देना है और इस वीडियो के मुतालिक जो तो आप टैग बना सकते हैं वो इधर आपने डाल देने हैं। तो मैं पहले टैग डाल देता हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे जो टैग देने थे वो दे दिए, अभी मैंने सिर्फ कमी दिए आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब अगर हम इसे थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे बोल रहा है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। अब आपने यहाँ पे करना ये है, आपने यहाँ बोल रहा है कि वीडियो की लैंग्वेज सेट करनी है। अगर आपने इस वीडियो के अंदर इंग्लिश बोली है, हिंदी बोली है, उर्दू बोली है, किसी भी ज़ुबान में आपने बोली है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर कुछ मैं बोला नहीं हूँ और कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और इसी के बराबर जो कैप्शन है इसको आप छोड़ ही दें, और इसके बराबर इसके नीचे का नाम आए तो यहाँ पे वो आपका ऑप्शन आ रहा है, रिकॉर्डिंग डेट आ रहा है। अगर आपने जिस वक्त रिकॉर्डिंग की है आप उसकी डेट डाल लें, और इसी के बराबर इस जगह के लोकेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी लोकेशन, तो मैं नहीं डालना लेकिन अभी, लेकिन आप डाल सकते हैं। और इसी के अगर नीचे आए तो इसके नीचे आ रहा है लाइसेंस का। अब अगर आप इसके अंदर ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस कर देते हैं तो इससे होगा ये, अगर आप ये वाली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और अगर कोई बंदा आपकी ये वाली वीडियो डाउनलोड करता है और अपने चैनल पर अपलोड करता है तो आगे आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब की तरफ से कि आपकी वीडियो किसी बंदे ने इस्तेमाल करी है, आप उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दें। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, लेकिन अगर आप ये क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट करते हैं तो कोई बंदा ये वाली वीडियो अपने पास डाउनलोड करेगा और अपने चैनल पर अपलोड कर देगा, तो अब आप इस बंदे को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार सकते। मतलब ये आप यूट्यूब को लाइसेंस देने के मेरी वीडियो कोई भी इस्तेमाल कर सकते। अब अगर हम थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी वीडियो किससे मुतालिक है, अगर फिल्म एंड एनिमेशन से मुतालिक है तो आप वो सिलेक्ट कर लें, लेकिन अभी एक ट्रैवल है, ट्रैवल के मुतालिक है तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ट्रैवल एंड इवेंट, मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। और बस आपने बस यही करना है, और यहाँ से जो नेक्स्ट का ऑप्शन है आपने नेक्स्ट दबा दें। अब नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे आपसे ये वीडियो एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को सबटाइटल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सबटाइटल यहीं से कर सकते हैं। वैसे अगर आप उर्दू बोल रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश कर दें, अगर आप उर्दू बोल रहे हैं हिंदी कर दें, हिंदी बोल रहे हैं इंग्लिश कर दें, इस तरीके से आप इसको सबटाइटल कर सकते हैं। और इसी के नीचे यहाँ पे बोल रहे हैं एंड स्क्रीन कैसे लगाएं, लेकिन अभी मैं लगा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर इस चैनल के अंदर हमने कोई और वीडियो अपलोड नहीं करी, तो इस उससे मुतालिक हम कोई एंड स्क्रीन नहीं लगा सकते अभी। और ऐड कार्ड भी हम नहीं लगा रहे, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप ऐड कार्ड लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे चेक का ऑप्शन आ गया, ये चेक हो चुकी है हमारी वीडियो, और ये कोई इसके अंदर इशू नहीं है, कोई हमने कॉपीराइट स्ट्राइक वाला सॉन्ग इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये बिल्कुल सही ये वीडियो है। तो अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने इस वीडियो को विजिबिलिटी में क्या क्या रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, प्राइवेट, अनलिस्ट और पब्लिक। अगर आप प्राइवेट करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके पास ही रहेगी, आप इस वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं, मतलब अपलोड तो ये भी है लेकिन ये पब्लिक नहीं होगी, कोई देख नहीं सकता ये वाली वीडियो। और अगर हम अनलिस्ट करते हैं तो अनलिस्ट में भी ये वीडियो अपलोड तो होगी यूट्यूब पे, कोई देख नहीं सकता इससे अनलिस्ट इससे। अगर आप पब्लिक करते हैं तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगी फौरन ही। अब अगर हम इसको पब्लिक ही कर रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड अपलोड हो चुकी है वीडियो, अभी HD वर्जन हो रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं, अगर आप 480p मतलब HD में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो ये HD आएगा, जैसा अभी HD आ रहे हैं। अगर आप ये चीज़ 4K या 8K में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसी जगह पे 4K और 8K आ जाएगा, लेकिन यानी वीडियो 1080p पर है तो फौरन ही हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। और ये चेक हो चुकी है, अभी यहाँ से हम इसको पब्लिक करते हैं और ये हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है।
सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल पार्क ब्लॉग एंड ट्रैक को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक ये लाल है तो उसको आप ग्रे कर दें और ये जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।